अनामिका, मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों की दोस्ती हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है, कितनी पक्की हो गई है। तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमारी दोस्ती की जो रूल्स है उसको भी मानता हूँ, राइट? हाँ, मैं जानती हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि इज इट पॉसिबल, मेरा मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपकी आवाज से, आपकी बातों से बहुत कुछ जान लिया मैंने आपके बारे में। मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके बारे में इमेजिन किया है आप उससे कितनी मिलती हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं भी अनमोल से मिलना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने जो मेरी छवि बना रखी है अपने मन में, क्या मैं उस पर खरी उतर पाऊंगी? आपने क्या सोचा कि अपनी काली लड़की को हमारे मत्थे मढ़कर अब चैन की नींद सो जाएंगी? ज्यादा आप बनते हैं, खुद को समझते हैं हमें? नहीं, मुझे देखकर वो निराश हो गए और फिर ये दोस्ती खत्म हो गई। तो बताइए ना, क्या मिल सकते हैं? नहीं। क्या? सॉरी, लेकिन हम नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों नामिका? बस वजह मत पूछिए, मैं आपसे नहीं मिल सकती। हम अजनबी हैं और हमारा अजनबी रहना ही ठीक होगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं फोन रखती हूँ। सुनिए, अगर आप अपना फैसला बदलें तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ऐसी उम्मीद भी मत रखिएगा आप। बाय बाय। क्या हो रणवीर जी, आपकी बात हुई? क्या कहा उसने मिलने के लिए? भाभी, उसने मना कर दिया। कहती है कि हम अजनबी रहेंगे। जी जी, मैं जानती हूँ कि आपने क्यों मना किया होगा, लेकिन आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। मुझे ही कुछ करना होगा। रणवीर जी, मेरे ख्याल से आपको उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए और यही उम्मीद रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन वो अपना फैसला जरूर बदलेगी। अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा है तो आई होप सो भाभी। नवीन जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली मुझे अभी भी पता चला कि आपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भर दिया।
सर पूरा बिल भरने की क्या जरूरत थी, आप मिनिमम बिल भी भरते तो भी। अरे विनीत जी, कल मैंने आपको टेंशन में देखा, सोचा आप ऑफिस के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, ऊपर से हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि आपके लिए कुछ करूं। अब सिर्फ पार्ट पेमेंट करता तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बाकी पैसे जुटाने की टेंशन रहती तुम्हें, है कि नहीं? इसलिए सोचा प्रॉब्लम को जड़ से ही हटा देता हूं। और क्या? इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन सर 60,000 रुपये चुकाने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन रुपये। किस बात की जल्दी है? और आपसे पैसे वापस मांगे किसने? भाई वो तो दे देना, वरना गिफ्ट समझ के रख ले। वही हुआ जिसका डर था मुझे, आखिर इन्होंने मुझे रिश्वत के जाल में फंसाया। देखो ना रागिनी कितना अच्छा है। पता नहीं मैंने अनमोल को मिलने के लिए मना करके ठीक किया या नहीं। सच तो यही है ना कि मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, जिससे प्यार हो गया हो उसे देखने का मन तो करेगा ही ना, लेकिन अगर उन्हें मेरा रंग पसंद नहीं आया तो हो सकता है वो मेरा प्यार भी ठुकरा दे और इस वजह से जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाए। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। प्यार जब हो जाता है दिल खो जाता है। दुनिया का होश नहीं रहता। जुबा खामोश हो जाती है लेकिन चेहरा तो सब कुछ कहता है। प्यार से ऊंचा कोई जज्बा नहीं, ये तो किस्मत वालों के दिल में रहता है। चलो रागिनी। कुछ दिनों से देख रही हूं तुम में बदलाव आ गया है, चेहरा खिला खिला सा रहता है, मन ही मन मुस्कुराती रहती हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्यार का करिश्मा है। शर्मा गई, मुझे नहीं बता पा रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिससे प्यार करती हो उसे जरूर बता देना। कहीं तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे प्यार की दुश्मन न बन जाए। मोहब्बत जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है, अगर ये तुम्हें मिला है तो इसे हाथ से जाने मत देना। Thank you.
जी, तुम यहाँ कैसे? बस अपनी जीजी से मिलने का मन किया तो चलिए। अच्छा किया साता जो तुम यहाँ चली आई, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। चलो ना कहीं बैठते हैं। जीजी माफ करना, मैं आपको बिना बताए चली आई। पर क्या करूं, अब मैं जानती हूँ ना कि मेरी जीजी किसी से प्यार करने लगी है, तो बस आपकी खुशी बांटने चली आई। जीजी आपकी अनमोल से कुछ आगे बात हुई? हाँ, वो एक्चुअली मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, मैंने मना कर दिया साथ। मगर क्यों? तुम्हें तो पता है ना साधना, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्यार खुशी ये सब कुछ भुला दिया मैंने। समझ लिया था ये सब कुछ है ही नहीं मेरे हिस्से में। कभी सोचा भी नहीं था कि अनमोल की दोस्ती मेरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत तोहफा बनकर आएगी। और आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मैं अनमोल से प्यार तो बहुत करती हूँ लेकिन इजहार करने से डरती हूँ, क्योंकि आज भी मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा काला रंग देखकर अनमोल ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं सह नहीं पाऊंगी साधना। कम से कम हमारी दोस्ती तो बनी रहेगी साधना, हमारे मिलने के बाद हमारी दोस्ती टूटने का डर तो खत्म हो जाएगा मेरे दिल से। कल को वो मुझे देखकर पीठ फेर ले, इससे तो अच्छा है ना कि मैं ये अनमोल रिश्ता बनाकर रखूं, भले ही मेरा प्यार एक सपना बनकर रह जाए, लेकिन साधना ऐसी हकीकत का सामना मैं नहीं कर सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। जीजी, आप अपने रंग को लेकर टेंशन लेती हो, पर क्या कभी आपने अनमोल को देखा है? उनका रंग गोरा है या सांवला? उनका नैन नक्श सही भी है या? अच्छा जीजी, एक बात बता, अगर अनमोल में कोई ऐप निकला तो क्या आप उन्हें छोड़ दोगी? नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ आप उन्हें दिल की गहराई से प्यार करती हो, और भले ही आपने एक दूसरे को देखा ना, पर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। क्या ईश्वर का ये इशारा आपको नजर नहीं आता? वरना आप दोनों फोन पर ही सही, मिलते ही क्यों? जीजी भाग्य आपसे कुछ कहना चाहता है जीजी, पर आप हो कि डर के मारे उसे सुनती ही नहीं। लेकिन साधना, और ज्यादा ठोकर खाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जीजी मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर मैंने आपको कितनी बार कहा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप अनमोल को एक मौका देकर तो देखो। जीजी ये रंग रूप शख्सियत ये सब प्यार में कोई मायने नहीं रखते। मामा जी और मामी जी को ही देख लीजिए, उन दोनों से अच्छा जीवन साथी कहाँ हो सकता है। जीजी अब आप अपने मन से ये डर निकाल दो और देखो, हो सकता है आपकी यह हकीकत आपके सपने से भी ज्यादा खूबसूरत है। बस अभी तक इतनी बनी है? नहीं नहीं, वो मैंने ना पेंटिंग बना दी थी, उसमें कलर है ना जो वो खराब हो गए थे, अब मैं दूसरी बना रहा हूँ। आज का दिन ही खराब है, पहले अनामिका ने मिलने से मना कर दिया, उसके बाद ऑफिस में भी कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा, और अब ये पोर्ट्रेट। Thank you.
सब रॉन्ग रॉन्ग हो रहा है ना. वेरी गुड गुड. अब पता सब राइट राइट हो. देख ऐसा मेरी दोस्त बोलती है. ठीक है लेकिन आपकी दोस्त है काम. वो ना किसी सीक्रेट काम से बाहर गई है. सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट भैया? अब सीक्रेट काम बताऊंगा तो सीक्रेट कहां से रहेगा. स्टूपिड. ओके गुड गुड होगा. देखा देखा करो करो बात करो. हेलो अनमोल, कल हम मिल सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स. पर कब और कहाँ? वही मेरी मनपसंद जगह ताजमहल के बाहर 11:30 बजे. वो रॉन्ग नंबर वाली जगह पर आने से पहले मैं आपसे मिलते हुए आऊंगी. ठीक है डन. कल मिलते फिर. ओके बाय. एक मिनट. अरे क्या हुआ? देखिए आपने अपना फैसला बदल तो नहीं दिया ना? हे प्लीज डोंट. डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं ये पूछ रही थी आपसे कि हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे. ओह, आई एम सो सॉरी, ये तो मैं भूल ही गया था कि मैंने आपको कभी देखा तक नहीं. एक्चुअली आपसे रोज ही ढेर सारी बातें होती है और हमारी बातें दिल में. मेरा मतलब ख्यालों में बसी रहती है. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ. ओके, मैं ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट पहनूंगा. और आप? मैं पिंक कलर का सूट पहन कर आऊंगी. ठीक है, अब एक आखिरी सवाल. क्या? आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए. ओ रियली? मेरी तरफ से उन्हें बहुत 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 थैंक्स कीजिएगा. कह दूंगी. बाय. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.